नमस्ते आदाब प्रणाम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदुस्तान का स्वतंत्र दिवस के मौके पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कर्नाटका स्टेट कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर एस पैरिजन मैडम, जो आज हमारे साथ मौजूद है और वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्वतंत्र, पहले तो आप सब आपको स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर आप हमारे मीडिया को, हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, भारत के सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी के दिन है। 75 साल पहले हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में लोग शहीद हुए हैं, इसलिए मैं उन लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करती हूँ। आज के दिन जितना हम स्वतंत्र होकर आज के दिन मीडिया के सामने बोल रहे हैं, ये सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, उनकी शहीद का, आज का उनके बदौलत हम लोग आराम से बैठे हैं, इसलिए मैं उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करती हूँ। और खासकर हर भारतवासियों को आज खुशी का दिन है, एक त्योहार का माहौल है, हर घर में आज त्योहार मना रहे हैं, देश का त्योहार है। 75 साल पहले, उससे पहले जो ब्रिटिश लोग हम लोगों को जितना तंग करते थे, हम लोगों को जितना टॉर्चर करते थे, ये देखकर ये जो देश है, ये अपना भारत का देश, अपने भारतवासियों का था, इसलिए 1885 में WC बनर्जी, ये वो ह्यूम, उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग काम किए और देश के पितामह महात्मा गांधी जी का नेतृत्व में इस देश को आजादी लाए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लाल पाल पाल, अवसर सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे जी और भगत सिंह, बिस्मिल्ला खान, राजगुरु, बहुत सारे लोगों का जो क्या बलिदान से ये स्वतंत्रता मिला है, जिसके वजह से हम आराम से अपने देश में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1950 में हम लोगों को एक जो संविधान B.R. अम्बेडकर जी दिए, उस संविधान से पता चलता है कि हर देश का नागरिक में का हक है, बात करने का स्वतंत्रता है, मांगने का स्वतंत्रता है, हर चीज का स्वतंत्रता जो संविधान के रूप में हम लोगों को दिए हैं, उसके बदौलत हम लोग जी रहे हैं। आज के दौर में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भाजपा का सरकार है, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल से क्या किया है। हमने 70 साल से नहीं, हमारा कांग्रेस का 136 साल का एक इतिहास है, देश को संग्राम में, स्वतंत्र संग्राम में स्वतंत्र लाने के लिए इतिहास है। स्वतंत्रता आने के बाद जो 75 साल में जो काम किया है, वो काम 7 साल में कुछ नहीं किया है, जो BJP वाले कहते हैं 70 साल में क्या किया है, जो हमने 70 साल में जो ना काम नहीं किया, वो 7 साल में BJP सरकार कर दिया। यही काम करते हैं, जो नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं, किसी 2-4 लोगों के लिए पार्टी है, जनसामान्य के लिए BJP सरकार नहीं है। 1.5 साल से हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, मगर हालात आपके सबके सामने हैं। और लोगों को जो मटेरियल पहुंचना चाहिए था, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था, रिलीफ वर्क होना चाहिए था, वो BJP को गवर्नमेंट नहीं किया है। मगर जहां जहां हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता
जिसको जम चाहिए उनके पास पहुंचा है, हर काम किया है हमारे देश के, जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष सम्मान श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और स्टेट के हमारे केपीसीसी अध्यक्ष सम्मानित श्री डीके शिवकुमार जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर सिद्धरामय्या जी के नेतृत्व में हमने कोरोना के समय बहुत सारा काम किया। लोगों के पास गए, लोगों के बीच में जाके उनको रिलीफ वर्क देने का, मटेरियल देने का काम किया। बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो उन्होंने आश्वासन दिया वो काम नहीं करते हैं। आज हम लोगों को 75 साल पहले हमने ब्रिटिशों को बाहर भगाया था, आज के दिन हम लोगों को जो बीजेपी सेंट्रल और स्टेट में जो बीजेपी सरकार है उनको भगाने का काम करना है, उनको अपने अधिकार से नीचे उतारने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आज जब तक हमारे बीच में जो कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो सर्वधर्म में जो मानते हैं, सेक्युलर पार्टी कांग्रेस का है, जिसके वजह से लोगों को हर चीज पहुंचने का काम करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, पंचायत राज, ऐसे बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ली है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री होने के बाद पंचवार्षिक योजना दिए, और इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री 20-point प्रोग्राम दिए हैं, और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मनरेगा, ये जो भी काम किए हैं ये सब लोगों को पहुंचने का काम हमने किया है। आप जानते हैं कि 8 महीने से इस देश का किसान धरने पे बैठा है, दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है, उसका सुनवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। आज के दिन किसान है तो हम सब जीवित हैं। जो किसान पैदा करेगा अनाज वो खाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे, बिना अनाज के कोई जीवित नहीं रह सकता है। जो हम देख रहे हैं कि अपना जो किसान जो 3 काला कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम साथ खड़े हैं। हम उनका 3 काले कानून का विरोध भी हम भी करते हैं। हम देश का झंडा आज लहरा रहे हैं, हमारे देश का तिरंगा झंडा को लेके हम इस देश के जो दोरंगे के लोग हैं, दोरंगे के लोगों को उस अधिकार से उतारने का बीड़ा उठाया है। आज हम लोग कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सेवा दल के लोग जो राज्य में और स्टेट में जो बीजेपी सरकार को हटाएंगे, ये बीजेपी सरकार सिर्फ 2-4 अमीर लोगों के लिए बना हुआ पार्टी है, आम लोगों के लिए नहीं है। 70 साल से क्या किया बोलते हैं, 70 साल इतने सारे डैम बनाए गए, IIT, IIM, इतने मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग काम जो कांग्रेस ने किया है उसका नेम चेंजिंग पार्टी बीजेपी सरकार है। आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका उस समय में जो डिजिटल इंडिया लेकर आए, जो कंप्यूटराइजेशन किए वो उन्हीं का देन है। अब उन्हीं का कंप्यूटराइजेशन डिजिटल को लेके इन्होंने अब प्रचार कर रहे हैं, तो ये होने नहीं देंगे। हम लोग कांग्रेस सेवा दल के लोग देश का तिरंगा झंडा लहराएंगे, कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, बीजेपी सरकार को हम हटाएंगे। ये हमारा 1-point प्रोग्राम है, और देश के लिए, देश की जनता के लिए हम काम करेंगे, ये हमारे कांग्रेस सेवा दल का एक प्रण है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।